हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट IES। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था शीयर स्ट्रेन रेट का। ओके, शीयर स्ट्रेन रेट क्यों आया? क्योंकि जो हमारा जो शीयर डिफॉर्मेशन है, जो हमारा शीयर डिफॉर्मेशन है, डिस्प्लेसमेंट विच इज टेकिंग प्लेस अलॉन्ग दिस शीयर प्लेन, वो भी एक वेलोसिटी से हो रहा है, राइट, Vs। इसीलिए यहां पर आया शीयर स्ट्रेन रेट। तो ये बात समझ आई, शीयर स्ट्रेन रेट का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज सिंपली द शीयर वेलोसिटी डिवाइड बाय व्हाट, द थिकनेस ऑफ द शीयर प्लेन। ये आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, माय डियर, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। और ये कैसे निकालेंगे? ये ऐसे निकालेंगे ना, यहां से अपन ने देखा था, हमने कटिंग वेलोसिटी जो है, सॉरी, चिप वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी और शीयर वेलोसिटी का आपस में रिलेशनशिप देख लिया इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। तो यहां से आप रिलेट कर सकते हैं कि नहीं? कोई एक वेलोसिटी दी रहेगी आपको क्वेश्चन में, मोस्ट प्रोबेबली कटिंग वेलोसिटी दी जाती है हर बार, ज्यादातर कटिंग वेलोसिटी दी जाती है, उससे आप बाकी दो वेलोसिटी पता कर सकते हैं आराम से। फाई कहां से पता कर लेंगे? वही टेन फाई इक्वल टू आर कॉस अल्फा पर वन माइनस आर साइन अल्फा, उससे पता कर लेंगे, राइट। अल्फा रेक एंगल होता है, वो तो दिया रहता है क्वेश्चन में, व्हाट द पॉइंट। तो ये बात समझ आई यहां तक, ठीक है। चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम लोग ना चिप्स की बात कर लेते हैं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिप्स बीइंग फॉर्म्ड इन मेटल कटिंग ऑपरेशन, राइट। टाइप्स ऑफ चिप फॉर्म्ड, व्हाट आर टाइप्स ऑफ चिप्स बीइंग फॉर्म्ड, ओके, इन मेटल कटिंग, ठीक है। मटेरियल दो तरीके के मटेरियल होते हैं, एक तो होता है डक्टाइल और एक होता है ब्रिटल, राइट। ध्यान रखिएगा, डक्टाइल मटेरियल में क्या हो रहा होता है? शीयर यील्डिंग। डक्टाइल में क्या हो रहा होता है? शीयर यील्डिंग, यील्डिंग, क्योंकि डक्टाइल में यील्ड होता है, डक्टाइल मटेरियल के केस में यील्डिंग होती ना, राइट। जबकि ब्रिटल में क्या होता है? फ्रैक्चर होता है, उसमें सिंपली शीयर फ्रैक्चर होता है, शीयर ही होता है बट वो फ्रैक्चर होता है, है ना। ब्रिटल में फ्रैक्चर होता है विदाउट एनी यील्डिंग, और जबकि डक्टाइल में, डक्टाइल जैसे मशीन को आप, डक्टाइल जैसे मटेरियल्स को जब आप मशीन करने चलेंगे तब आपको मिलेंगे, तब आपको किससे चिप्स मिलते हैं? चिप्स क्रिएट होते हैं ड्यू टू शीयर यील्डिंग, ठीक है। और ये मिलते हैं ड्यू टू व्हाट? शीयर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर। यहां तक बात ठीक है कि नहीं? इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ चिप्स। अब चिप्स कितने तरीके की होती है? देखो, एक तो आपको ध्यान होगा बचपन में आपने खूब पेंसिलें छीली, अभी भी छीलते होंगे, तो आपने देखा होगा बहुत ही जो है लंबी सी चिप बनती है, राइट, इस फॉर्म से, यू नो, करल फॉर्म में बनती है। आपको याद होगा जब आप पेंसिल छीलने चलते हैं तो इस टाइप की चिप बनती है ना, करल फॉर्म में, ठीक है। तो जब आप पेंसिल छीलते हैं, बहुत ही स्लो स्लो आराम से छीलते हैं, तो जो चिप बनती है, आप देखो पेंसिल की जो छिलका बनता है, चिप बनता है, वो कंटिन्यूस बनता है, लंबा, राइट। तो कुछ चिप्स होते हैं क्या? कंटिन्यूस बनते हैं, कंटिन्यूस चिप्स। फिर होते हैं क्या? डिसकंटिन्यूस चिप्स, ठीक है। कुछ चिप्स बनते हैं क्या? डिसकंटिन्यूस चिप्स। कंटिन्यूस मतलब कि जैसे पेंसिल छीलते हैं अपन, डिसकंटिन्यूस मतलब वही पेंसिल आप छीलो पर फास्ट फास्ट छीलो, तो अब क्या होता है? कंटिन्यूस नहीं बनता, डिस्क्रीट फॉर्म में बनता है। थोड़ा सा चिप बना, टूटा, फिर दूसरा चिप बना, फिर टूट के गिरा, फिर तीसरा चिप बना, लाइक दैट, ओके। तो जब आप पेंसिल को बहुत फास्ट फास्ट छीलते हैं ना, तो आप देखते हैं कि चिप कैसी बनती है, यू नो, मतलब वो ब्रेक फॉर्म में बनती है, डिस्क्रीट बनती है, दैट इज डिसकंटिन्यूस चिप, ठीक है। एक और तरह की चिप बनती है, दैट इज द कंटिन्यूस चिप। देखिए, चिप तो कंटिन्यूस बन रही, बट विथ वॉट? बिल्डअप एज, बिल्डअप एज, BUE, राइट, बिल्डअप एज। ये सब बात करेंगे अपन, बिल्डअप एज क्या होता है, ठीक है। और एक लास्ट तरीके की जो चिप बनती है, माय डियर, लास्ट तरीके की जो चिप बनती है, दैट इज व्हाट? सेरेटेड, सेरेटेड चिप्स हम डिस्कस करेंगे, होती क्या है। सेरेटेड का मतलब होता है इररेगुलर शेप की चिप बन रही है, राइट, जिगजैग फॉर्म की चिप बनती है, उसको हम लोग सेरेटेड चिप बोलते हैं, ठीक है। हम लोग एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप एक बात बताइए, मैंने आपको एक वीडियो पहले बताया था, दो वीडियो पहले, कि किस तरह की चिप हमें फेवर करनी चाहिए, कंटिन्यूस की डिसकंटिन्यूस। देखिए, सेफ्टी तरीके से सोचिए, सेफ्टी मोड से सोचिए, आप टर्निंग कर रहे हैं तो आप किस तरह की चिप को प्रेफर करेंगे, मतलब अपनी कंटिन्यूस की डिसकंटिन्यूस। देखिए, डिसकंटिन्यूस चिप प्रेफर करेंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि कंटिन्यूस चिप क्या होता है, माय डियर, देखिए, चिप आप ऑलरेडी जानते हैं कि चिप क्या है, काफी सारा हीट लेके जाता है। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, चिप जो लेके जाते हैं, दैट इज अराउंड 70 to 80% ऑफ द टोटल हीट जनरेटेड एट द शीयर जोन,
तो वो कौन ले जा रहा है? चिप ले जा रहा है। आप सोचो इतनी हीट लेके जा रहा है, तो अगर कंटिन्यूस चिप बनी तो वो ऑपरेटर पे पड़ेगी, ठीक है? सो इट विल बी व्हाट? डेंजरस टू द ऑपरेटर। सो बेसिकली हम क्या चाहते हैं, चिप जो है टूट टूट के नीचे गिरे। ऐसा नहीं कि चिप जो है बड़ा बन बन के कंटिन्यूस होके अक्यूमुलेट हो जाए एंड देन यू नो थोड़ा सा उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, यू नो इट मे क्रिएट यू नो हीटिंग इफेक्ट, अगर वो स्किन पे पड़ गया तो ना, तो वो चीज हो जाती है। तो इसलिए हमें प्रीफर करना है कि डिसकंटिन्यूस टाइप ऑफ चिप, और जैसे मैंने बताया मोस्ट ऑफ द डक्टाइल मटेरियल उसमें बनते कंटिन्यूस चिप, उसमें कंटिन्यूस चिप बनते हैं। तो अब कंटिन्यूस चिप बन रहे हैं तो फिर उसको डिसकंटिन्यूस कैसे बनाएं? देखो हब में क्या है, जो कंटिन्यूस चिप बने उसको बीच बीच में तोड़ना पड़ेगा। तो हम लगा देते हैं क्या नाम लिया था मैंने, चिप ब्रेकर। यस, तो वहां पर हमें चिप ब्रेकर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। और जैसे कुछ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स होते हैं, लाइक मिलिंग का एग्जांपल दिया मैंने, मिलिंग ग्राइंडिंग एंड ब्रोचिंग एंड ऑल दैट। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स जो होते हैं इनमें कभी भी आपको कंटिन्यूस चिप नहीं मिलेगा, इनमें तो आपको क्या ही मिलेगा, डिसकंटिन्यूस ही मिलेगा। क्योंकि जो एक टूल है वो कुछ ही मोमेंट के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में आता है, फिर दूसरा टूल आ जाता है, फिर तीसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाता है, राइट। ऐसे करते करते एक टाइम में कई जो है कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि उस केस में जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है उस केस में आपको हमेशा ही डिसकंटिन्यूस चिप ही मिलती है। जैसे मिलिंग ग्राइंडिंग कुछ भी करो आप, आपने देख रखा होगा जरूर, आपने किया भी होगा ग्राइंडिंग अपने कॉलेज टाइम में, आपने देखा होगा उस केस में बहुत बारीक बारीक चिप निकलती है, राइट। उल्टा जब आप टर्निंग करते हैं सपोज, तो कभी कभी आपको कंटिन्यूस चिप मिल जाती है, राइट। कुछ चिप्स आपको बिल्कुल कंटिन्यूस लंबी मिलती है, ठीक है, टर्निंग के केस में। बाकी अगर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज करेंगे तो हमेशा उसमें क्या मिलेगी, डिसकंटिन्यूस मिलेगी। यहां तक बात ठीक है, बात सही है कि नहीं? चलिए अब मैं क्या करता हूं, अब हम लोग कंडीशन डिस्कस करते हैं कि कब हमें जो है जो मतलब किस टाइप की चिप हमें कब मिलती है, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस सम कंडीशंस। तो कंडीशंस, राइट, इसको आप देख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। तो कंडीशंस फॉर चिप फॉर्मेशन, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि चिप फॉर्म, चिप जो बनेगा वो डिसकंटिन्यूस कब बनेगा, कंटिन्यूस कब बनेगा, बिल्ड अप एज कब बनेगा, लाइक दैट, ओके। पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिसकंटिन्यूस, पहले हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, डिसकंटिन्यूस चिप कब बनेगा, राइट, व्हेन वी विल बी गेटिंग डिसकंटिन्यूस चिप। देखिए डिसकंटिन्यूस चिप का कब बनता है, फॉर मटीरियल्स आर विच आर ब्रिटल इन नेचर। मैंने आपको बताया डक्टाइल मटेरियल में हमेशा क्या बनता है, कंटिन्यूस चिप बनता है, क्योंकि इसमें होती है यील्डिंग। डक्टाइल मटेरियल में यील्डिंग हो रही होती है ना, यील्डिंग के कारण क्या होता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंटिन्यूस चिप फॉर्मेशन। बट क्योंकि ब्रिटल में तो सीधा होता है फ्रैक्चर, राइट, उसमें फ्रैक्चर होता है, तो देयरफॉर इसमें बनता है कंटिन्यूस चिप, डिसकंटिन्यूस चिप। तो ये तो ब्रिटल मटेरियल के केस में डिसकंटिन्यूस मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर डक्टाइल हुआ तो क्या हुआ, तो क्या डक्टाइल में नहीं बन सकता कभी डिसकंटिन्यूस चिप? बिल्कुल बन सकता है, डक्टाइल में भी बन सकता है। डक्टाइल में कब बनेगा? यस, डक्टाइल के केस में देखिए माइडिया कुछ कंडीशन होती है डिसकंटिन्यूस चिप बन की। देखिए अगर आप डक्टाइल मटेरियल जैसे HSS, सॉरी मतलब अगर आप माइल्ड स्टील को मशीन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप फीड देते हाई, ध्यान से सुनिएगा, फीड अगर आप हाई देते हैं, डेप्थ ऑफ कट, फीड अगर आप हाई देते थे मतलब आप तेजी से ट्रैवर्स करा रहे हैं टूल, तो फीड आप हाई दे रहे, डेप्थ ऑफ कट भी आप हाई दे रहे, राइट, ओके, वेलोसिटी आप लो दे रहे, कटिंग वेलोसिटी आप लो दे रहे, राइट। तो फीड ज्यादा, डेप्थ ऑफ कट ज्यादा, वेलोसिटी कम, राइट। और दूसरा टूल रेक एंगल, अगर आप सपोज रेक एंगल को नेगेटिव की तरफ रखते हैं, ठीक है, टूल रेक एंगल को अगर आप नेगेटिव की तरफ रखते हैं, देखो माय डियर नेगेटिव से क्या फर्क पड़ेगा, ये था पॉजिटिव रेक एंगल, ध्यान है आपको, ये पॉजिटिव रेक एंगल था। तो देखो अगर एस टाइप का रेक एंगल होगा ना, तो होगा क्या, आसानी से टूल जो है इस पे मूव करेगा, ओके, और वो कर्ल बनाएगा, कर्ल इस तरीके से देखा था मैंने। लेकिन वहीं अगर मैं दूसरा नेगेटिव रेक एंगल का टूल यूज करूंगा इस तरीके का, ठीक है, ये नेगेटिव रेक है ना दूसरा वाला टूल, तो अब इसमें क्या होगा, चिप बना और वहीं पर ही गिर जाएगा, चिप बना वहीं गिर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए टूल रेक एंगल नेगेटिव हो, तो ये जो मैं कंडीशन लिख रहा हूं ना, ये लिख रहा हूं डक्टाइल मटेरियल में भी डिसकंटिन्यूस बने तब, ठीक है। और कटिंग फ्लूइड, मेरा अगर सपोज कटिंग फ्लूइड रहे एब्सेंट, ठीक है, कटिंग फ्लूइड अगर मेरा एब्सेंट रहे, कटिंग फ्लूइड क्या होता है माय डियर, कटिंग फ्लूइड माय डियर वो सारे फ्लूइड्स होते हैं जो कि इनके कई फंक्शन होते हैं। सबसे बड़ा फंक्शन होता है इट विल कैरी अवे द हीट,
ओके, जो मशीनिंग के दौरान हीट प्रोड्यूस हुई ना, इट विल कैरी अवे दैट हीट, इट विल नॉट यू नो कंसंट्रेट द हीट ऑन अ सिंगल पॉइंट, इट विल नॉट टॉलरेट कंसंट्रेशन एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ हीट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, हीट को कैरी अवे करेगा। दूसरा, कटिंग फ्लूइड का काम क्या होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। फ्रिक्शन अगर रिड्यूस करेगा तो पावर कंजम्पशन मशीनिंग में कम होगा, गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो ये भी एक फायदा है कटिंग फ्लूइड का। और क्या होता है, ये यील्ड स्ट्रेंथ को कम कर देता है। यील्ड स्ट्रेंथ अगर कम कर देगा तो मशीनिंग प्रॉपर हो पाएगी, मशीनिंग आराम से होगी, ठीक है। तो ये सब फंक्शन होते हैं कटिंग फ्लूइड्स के, बात समझ आ रही है। तो अगर कटिंग फ्लूइड अगर एब्सेंट हो, मतलब क्या होगा, हीट जो है कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। अगर हीट कॉन्सेंट्रेट होगी माय डियर, तो चिप जो होगी अपनी हो जाएगी वीक। तो चिप जो है इसीलिए वीक होने के कारण क्या, आराम से टूट जाएगी, क्योंकि हॉट मतलब जो है जब चिप बहुत गर्म हो जाएगी तो सॉफ्ट सी हो जाएगी ना, तो चिप कंटिन्यूस की बजाय डिसकंटिन्यूस बनेगी। बात सही है कि नहीं, ठीक है, राइट। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि चिप हार्ड क्यों होती है हमेशा वर्क पीस से, जो चिप बनती है दैट इज व्हाई इट इज हार्ड, बिकॉज ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस, बिकॉज ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। माय डियर, ये जो फिनोमेना होता है मटेरियल साइंस में बहुत कॉमन पढ़ते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं इन विच देर इज व्हाट, इन विच जैसे सपोज ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है जिसमें कि आप है ना, जिसमें कि आप जो है अबव यील्ड पॉइंट काम कर रहे हैं। देखो अगर यील्ड पॉइंट से ऊपर काम करेंगे तभी तो डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा, राइट। तो हम लोग यील्ड पॉइंट से ऊपर ही काम कर रहे हैं, गॉट द पॉइंट। तो यहां पर हम प्लास्टिक रीजन में काम कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर क्या क्रिएट हो रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और जिससे कि माय डियर इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि सम वॉट स्ट्रेस हैज बीन क्रिएटेड कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ स्ट्रेन, ठीक है, बट नॉट बिकॉज हम लोग यील्ड पॉइंट से आगे काम करें तो सारा का सारा मटेरियल जो है हमारा रिकवर थोड़ी ना होगा, सारा का सारा मटेरियल हमारा ओरिजिनल पोजीशन पे थोड़ा पहुंच जाएगा, नहीं, देयर विल बी सम परमानेंट डिफॉर्मेशन विल बी टेकिंग प्लेस, एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रेन हार्डनिंग, याद है, स्ट्रेन हार्डनिंग बोलते हैं इस चीज को। तो कुछ क्या होता है, इलास्टिक रिकवरी होती है, कुछ इलास्टिक रिकवर भी हो जाता है, लेकिन कुछ रिकवर नहीं हो पाता। अब वो रिकवर नहीं हो पाता, ठीक है, वो रिकवर नहीं हो पाता, इसीलिए क्या होता है, उसमें क्या हो जाता है, दैट इज योर स्ट्रेन हार्डनिंग। सो देयरफॉर जो भी चिप बनता है उसके अंदर स्ट्रेन हार्डनिंग हो रहा होता है, देयरफॉर इसीलिए भी चिप आपका हार्ड होता है देन द वर्क पीस। बात समझ आई, ओके, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको डिसकंटिन्यूस चिप बनने का कंडीशंस क्या क्या है। अब मैं बताता हूं आपको कंटिन्यूस चिप बनने का क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। तो कंटिन्यूस चिप देखिए डक्टाइल में बनता है, राइट, डक्टाइल मटेरियल में कंटिन्यूस चिप ही बनता है, मोस्ट ऑफ द टाइम डक्टाइल में कंटिन्यूस चिप बनता है। तो आप कहेंगे सर ब्रिटल में बन सकता है, मैं बता दूं आपको ब्रिटल में कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा ब्रिटल में, हमेशा ही क्या बनेगा, डिसकंटिन्यूस बनेगा, राइट। और कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से कंटिन्यूस चिप बनने के आसार ज्यादा होते हैं, जैसे कि तो वर्क मटेरियल हो मेरा डक्टाइल, जिसकी मैं मशीनिंग कर रहा हूं डक्टाइल हो। दूसरा क्या है, कटिंग वेलोसिटी, ठीक इसका उल्टा कर दो, कटिंग वेलोसिटी हाई हो और डेप्थ ऑफ कट लो हो, फीड लो हो, यहां तक बात ठीक है, फीड लो हो, डेप्थ ऑफ कट आपका लो हो, ठीक है, कटिंग वेलोसिटी आपकी हाई होनी चाहिए, ठीक है। और रेक एंगल कैसा होना चाहिए, यस पॉजिटिव, रेक एंगल पॉजिटिव हो आपका, जिससे क्या कर्ल होने का आसार रहे चिप को, ठीक है, गॉट द पॉइंट। और कटिंग फ्लूइड एब्सेंट या प्रेजेंट रहे, प्रेजेंट रहे, क्योंकि अगर कटिंग फ्लूइड को एब्सेंट कर दिया तो हीट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड, सो देयरफॉर मोर एंड मोर हीट विल बी कैरिड अवे बाय द चिप, सो देयरफॉर चिप विल बिकम मोर वीकर, तो इसलिए वो टूटने लग जाएगा। तो कटिंग फ्लूइड क्या हो, प्रेजेंट रहो, ठीक है, तो कटिंग फ्लूइड क्या रहे, प्रेजेंट, राइट, गॉट द पॉइंट माय डियर, ओके। तो हमने दो चीज डिस्कस कर ली, तीसरी चीज अब हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या कंटिन्यूस तो हो चिप बट विथ बिल्डअप एच। अभी पहले ना, इससे पहले हम लोग ना बिल्डअप एच का कंसेप्ट समझते हैं, क्या होता है बिल्डअप एच का कंसेप्ट समझते हैं, व्हाट इज दिस बिल्डअप एच। देखो होता क्या है, कभी कभी आपने भी वैसे शायद नोटिस किया होगा इसको, जैसे कभी आप टर्निंग करने चले है ना, टर्निंग करा आपने, आपने काफी देर तक टर्निंग करा, होता क्या है कि आप यहां पर कुछ कटिंग टूल के आसपास कुछ डिपोजिशन देखते हैं चिप का, राइट, जो आपने मशीनिंग करी उसके बाद जो छोटे छोटे जो चिप्स बनते हैं, बहुत बारीक चिप्स बनते हैं, उसका आप यहां डिपोजिशन देखते हैं टूल के ऊपर, राइट, इसी को ही हम लोग बिल्डअप एज बोलते हैं,
इसी को हम लोग बिल्ड अप एज का नाम देते हैं, क्योंकि बिल्ड हुआ है, अपन आप से क्रिएट हुआ है, राइट। सो बिल्ड अप एज इसी को ही बोलते हैं। बात ठीक है, यहां तो ठीक है ना। दूसरा माय डियर, मैं आपको एक और चीज समझा दूं, बिल्ड अप एज बनने का कारण क्या होता है। बहुत ही ध्यान से सुनना, बिल्ड अप एज क्यों बनता है। कभी कभी क्या होता है, वाइल मशीनिंग, अच्छा ये बनेगा हमेशा डक्टाइल में, है ना, हमेशा डक्टाइल मशीनिंग की मशीनिंग करेंगे तभी बिल्ड अप एज बनता है। होता क्या है, कभी कभी जैसे हम लोग वाइल मशीनिंग या डक्टाइल मटीरियल, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि सपोज आप आगे कटिंग फ्लूड यूज नहीं कर रहे, तो होता क्या है, टूल के यहां पर आपको लगता है टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा, काफी हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा। उससे क्या होता है माय डियर, जैसे चिप्स बनना स्टार्ट हुए और वो रेक फेस के ऊपर फ्लो करना शुरू किए, तो माय डियर एक पॉसिबिलिटी ये भी बन जाती है, क्योंकि देखो चिप का टेम्परेचर भी अपने आप में बहुत हाई है, ठीक है, काफी हाई है, और सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपके टूल के इस रेक फेस पे मिलता है, यहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर यही मिलता है, गॉट द पॉइंट, यही मिलता है सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर एट दिस रीजन। तो क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप कटिंग फ्लूड भी यूज नहीं कर रहे, मतलब लोकलाइज्ड हीटिंग क्रिएट हो रही है, लोकलाइज्ड हीटिंग वजह से माय डियर क्या हो रहा है, होता क्या है, एक वेल्डिंग सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, मतलब जो चिप है ना वो इससे वेल्ड कर सकती है, क्योंकि काफी हाई टेम्परेचर है कि टूल जो है, जो अपना चिप है वो टूल के रेक फेस पे चिपक जाए, उसे यूनो से वेल्ड हो जाए, गॉट द पॉइंट। तो इसी चीज को हम लोग, बिकॉज ऑफ द लॉन्ग चिप टूल कॉन्टैक्ट लेंथ, क्या होता है कि जैसे चिप बना और उसके ऊपर वो कर्व बनता है, तो थोड़ा बहुत पार्ट चिप का तो इस पे चिपकता ही है ना, राइट, इस तरीके से चिप का जो थोड़ा बहुत हिस्सा है वो इस पे चिपकेगा ही, बट ड्यू टू लोकलाइज्ड हीटिंग टेकिंग प्लेस ये जो कॉन्टैक्ट लेंथ है ना ये बढ़ जाती है, जो कॉन्टैक्ट लेंथ है ना बिटवीन द टूल एंड द चिप ये बढ़ जाता है, इस वजह से लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड टेम्परेचर इज बींग क्रिएटेड इन दिस जोन। माई डियर इस जोन को हम लोग सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन का नाम देते हैं। ये सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन क्या है, इट इज नथिंग बट द रीजन बिटवीन व्हाट, टूल एंड द चिप, दैट्स इट, ऑन द रेक फेस, ये है सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन। तो प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन क्या था, ये था जहां पर जो बेसिकली बिल्कुल जिसको हम शियर जोन भी बोलते हैं, प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन, एंड दिस इज व्हाट, सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन ओवर विच चिप फ्लो इज टेकिंग प्लेस, दैट्स इट। तो होता क्या है, इससे लंबा जो है टूल का लेंथ कॉन्टैक्ट में आता है बिकॉज ऑफ यू नो वेल्डिंग टेकिंग प्लेस, राइट, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। तो अंडर सच हाई स्ट्रेस एंड टेम्परेचर इन बिटवीन द टू क्लीन सर्फेस ऑफ मेटल, देखिए जो चिप बना चिप का जो नीचे का हिस्सा, ये वाला नीचे का जो हिस्सा जो हमें नहीं दिख रहा, उसके और रेक फेस के बीच में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट हो सकती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में लोकली टेक प्लेस ड्यू टू दिस व्हाट, वेल्डिंग, ठीक है। और माय डियर ऐसा नहीं है, क्योंकि कटिंग तो अपनी चल रही है, तो ऐसा है कि एक चिप आके थोड़ा सा चिपका, फिर नेक्स्ट साइकिल में दूसरा चिप आके चिपका, राइट। तो इस तरीके से माय डियर होता क्या है, अल्टीमेटली ये हर साइकिल में ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, और एक टाइम बाद ऐसा आता है जब ये क्या होता है, आपका जो चिप है वो इससे चिपक जाता है, इससे क्या होता है कि जो आपका जो नोज है ना छुप जाता है, जो टूल का नोज है विच इज एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन द कटिंग प्रोसेस, That gets hidden, वो छुप जाता है, right? That does not, now does not take any part. अब पता है कटिंग में कौन पार्ट ले रहा है, बिल्कुल ये जो चिप्स इसके चिपकी है ना, ये अब कटिंग में पार्ट ले रही है, तो ये जो बनी ना बिल्डअप एज, अब ये कटिंग में इन्वॉल्व हो रही है, तो आपको लगता है ये इनएक्यूरेसी क्रिएट करेगी, बिल्कुल, क्योंकि माई डियर होगा क्या, जैसे बिल्डअप एज अगर इससे अच्छे खासे चिपक जाते हैं, बिल्कुल वेल्ड हो जाते हैं, तो देर में भी ये पॉसिबिलिटी कि एक साइकिल ऐसी आए कि बिल्डअप एज जब टूटेगा ना तो अपने साथ ही टूल को भी उखाड़ के ले जाएगा, ठीक है, तो टूल को जो है ना ये उखाड़ के ऐसे ले जाएगा, सो द टूल नोज में ब्रेक, इस तरीके से टूट सकता है आगे से टूल, ठीक है, बिल्ड अप एज तो जाएगा ही, साथ में टूल को भी अपने साथ में आगे का जो पार्ट है उसको उखाड़ के ले जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा वो है ये, तो इससे क्या हो रही है, आपकी टूल लाइफ डिक्रीज हो रही है कि नहीं, ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रही है आपकी, आपको ऑल टुगेदर नया ही टूल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी ग्राइंडिंग कर करके भी आप इसको नहीं बना सकते, तो आपको नया टूल लेना पड़ेगा, गॉट द पॉइंट। तो बिल्ड अप एज बनना हमारे लिए नुकसानदायक है कि फायदेमंद है, यस, बिल्डअप एज बनना जो है हमारे लिए फायदेमंद है कि या फिर इट इज डिसएडवांटेजेस टू अस। देखिए माय डियर, अगर आप एक चीज ये सोचें कि बिल्डअप एज बनने से क्या है, कहीं ना कहीं आपका टूल का जो नोज है ना थोड़े टाइम के लिए बच गया है कटिंग से, टूल का जो नोज है ना ये बच गया है कटिंग से, तो आप ये सोच सकते सर थोड़ा सा टूल लाइफ तो बढ़ गया है, बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ गया टूल लाइफ, बट माय डियर ये एक लिमिट तक ही बढ़ा, उसके बाद क्या होगा, ड्रास्टिकली जो है टूल लाइफ डिक्रीज होगा, ठीक है, इस तरह से टूल जो है फट सकता है, ठीक है। बिल्डअप एज जो बना ना, जब ये अगले टाइम में
उखड़ेगा ना, क्योंकि जब वो वर्कपीस से कांटेक्ट में आ रहा है, मशीनिंग कर रहे हैं ना, वर्कपीस की टर्निंग कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, बिल्डअप एज एक तो वर्कपीस के ऊपर चला जाएगा, तो वर्कपीस की फिनिश खराब कर देगा, जो सर्विस फिनिश है उसकी खराब कर देगा। दूसरा क्या, जब ये टूटेगा ना बिल्डअप एज, तो क्योंकि वो इससे अच्छे खासे वेल्डेड था, तो उसको उखाड़ के ले जाएगा अपने साथ। गॉट दी पॉइंट? तो इसीलिए क्या हो रहा है, इसका तो डिसएडवांटेज ही है, इसका तो डिसएडवांटेज ही है। और दूसरा माय डियर, एक और डिसएडवांटेज क्या है कि अब बिल्डअप एज आ रहा है, अब बिल्डअप एज मशीनिंग में पार्ट ले रहा है, सो देयरफॉर इट इज आल्सो क्रिएटिंग इंक्रीजिंग कटिंग फोर्स, इससे कटिंग फोर्स में भी इजाफा हो रहा है। अगर कटिंग फोर्स बढ़ रहा है तो अगेन पावर में भी इंक्रीज हो रहा है, कटिंग पावर भी बढ़ रहा है अपना, ठीक है। तो ये कुछ नुकसान होते हैं क्या, बिल्डअप एज के। सो बेसिकली व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बिल्डअप एज, राइट? पुअर सर्फेस फिनिश, ठीक है। और दूसरा माइंड आपको एक चीज और रियलाइज हो रहा है कि अगर ये देखो, अगर बिल्डअप एज नहीं होता तो ये रैक एंगल था, बिल्डअप एज अगर नहीं था तो आपका रेक एंगल ये था, लेकिन अब जैसे बिल्डअप एज आ गया तो उसने कहीं ना कहीं रेक एंगल पे फर्क डाला कि नहीं, तो आपका रेक एंगल इसने रिड्यूस कर दिया, ठीक है। और अगर इसने रेक एंगल रिड्यूस कर दिया तो रेक एंगल रिड्यूस करने पर आपका पावर कंजम्पशन क्या होता है, बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है। तो इट अनफेवरेबली चेंजेस द रेक एंगल एट द टूल टिप, कॉजिंग द इंक्रीज ऑफ कटिंग पावर। गॉट द पॉइंट? और माय डियर, सबसे बड़ा ड्रॉबैक और बताएं इसका, इट ऑल्सो इंड्यूसेस वॉट, अगर देखिए कटिंग फोर्स बढ़ गया, ठीक है, कटिंग फोर्स अगर बढ़ गया और आप किसको मशीन कर रहे हैं, डक्टाइल को, ठीक है। और अगर मान लो सेम चीज अगर आप लंबी शाफ्ट को कर रहे हैं, सपोज लंबी शाफ्ट और छोटा डाया, तो क्या क्रिएट होंगे, वाइब्रेशंस, बिकॉज क्या क्रिएट होगा, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा, उससे क्या क्रिएट होगा, वाइब्रेशन। बात समझ आ रही है? तो इससे वाइब्रेशन भी इंड्यूस हो रहा है आपके सिस्टम के अंदर। तो इतने सारे डिसएडवांटेज हैं आपके बिल्डअप एज के, ठीक है। तो अब हम बिल्डअप एज चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक है। तो अब रही बात, ठीक है, हमने समझ लिया कि बिल्डअप एज क्या होता है, हम नहीं चाहते। तो अब हम ये देख रहे थे बिल्डअप एज बनता कब है। देखिए बिल्डअप एज कब बनता है, बिल्डअप एज बनता है व्हेन योर वेलोसिटी इज बिट लो, व्हेन योर वेलोसिटी इज बिट लो, मटीरियल इज डक्टाइल, राइट, डक्टाइल मटीरियल हो, वेलोसिटी इज बिट लो, डेप्थ ऑफ कट इज बिट हाई, राइट, एंड फीड इज ऑल्सो, फीड इज क्या हो, यस, फीड होना चाहिए ठीक ठाक, मीडियम, ठीक है। कटिंग वेलोसिटी लो का मतलब ये नहीं बहुत ही लो, ठीक है, बहुत ही लो भी नहीं, मतलब लो हो, ठीक ठाक हो, डेप्थ ऑफ कट हाई हो, राइट, एंड आपका जो फीड हो दैट इज शुड बी मीडियम, और मटेरियल कैसा होना चाहिए, डक्टाइल। और हाँ, सबसे बड़ी चीज, नो कटिंग फ्लूइड इन्वॉल्व, क्योंकि माय डियर कटिंग फ्लूइड का एक और काम होता है, इट विल वॉश अवे द चिप्स, ठीक है। कटिंग फ्लूइड अगर आप देंगे तो क्या करेंगे, चिप को अपने साथ में ले जाएंगे उठा के, अगर वो ही नहीं रहे कटिंग फ्लूइड तो क्या करेंगे, चिप जो क्या करेगा, उसके साथ वेल्ड होता जाएगा, बिल्डअप एज बनता जाएगा। सो देयरफॉर नो कटिंग फ्लूइड इफ इट इज इन्वॉल्व्ड। गॉट द पॉइंट? और दूसरा क्या हो, रेक एंगल भी लो हो, रेक एंगल भी लो हो, ठीक है, बात समझ आई। तो ये है बिल्डअप एज बनने के जो है कंडीशन। नाउ इफ वी वॉन्ट टू यू नो रिमूव दिस बिल्डअप एज, इफ वी वॉन्ट टू एंश्योर दैट नो बिल्डअप एज इज क्रिएटेड, तो अब क्या करें, कटिंग स्पीड को बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं, बिल्कुल। सो टू डिक्रीज बिल्डअप एज, टू डिक्रीज बिल्डअप एज क्या किया जाए, वेलोसिटी को बढ़ाइए, पहली चीज, रेक एंगल को बढ़ाइए, ठीक है, रेक एंगल को भी बढ़ाइए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक है। कटिंग फ्लूइड को इंट्रोड्यूस करिए, सबसे बड़ी चीज, कटिंग फ्लूइड को इंट्रोड्यूस, क्योंकि यार कटिंग फ्लूइड अगर आप ले आए तो वो चिप्स को भी अपने साथ उठा के ले जाएगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं बिल्डअप एज की। तो इंपॉर्टेंट क्या है, कटिंग फ्लूइड अपने साथ रखिए, ठीक है। अब जो जो चीज काम है उसको बढ़ाते जाओ, जो बढ़ा हुआ है उसको कम कर दो, डेप्थ ऑफ कट को कम करो, ठीक है, फीड को जो है लो करो, फीड को कम करो, ठीक है, और कटिंग फ्लूइड यूज करो, ठीक है बात। तो ये तरीके हैं कि आपको बिल्डअप एज नहीं करना है। गॉट दी पॉइंट? तो ये तीसरी चीज हो गई। अब चौथी चीज, चौथा जो काइंड है, दैट इज व्हाट, सिरेटेड चिप्स। अभी सिरेटेड चिप्स क्या होते हैं, बेसिकली इट दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिगमेंटेड चिप्स, सिगमेंटेड, मैंने जैसे फिगर बनाऊं तो इस टाइप से, ऐसे इस टाइप से चिप्स बन रहे हैं, राइट, zigzag फॉर्म के चिप्स बन रहे हैं, दैट आर कॉल्ड सिरेटेड या फिर सिगमेंटेड। माय डियर, ये जो चिप्स बनते हैं ये कुछ ही मटेरियल में बनते हैं, मैं आपको बता देता हूं एग्जांपल, टाइटेनियम, टाइटेनियम की अगर आप मशीन करने चलेंगे तो आपको सिरेटेड चिप्स मिलते हैं। गॉट द पॉइंट? अभी डिस्कस कर लेते हैं ये सिरेटेड चिप्स क्यों बनते हैं, इस टाइप से चिप्स क्यों बनते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या होता है कि कुछ मेटल, जैसे टाइटेनियम एग्जांपल दिया मैंने, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी
वो क्या होती है, लो होती है। जैसे टाइटेनियम है ना, कि थर्मल कंडक्टिविटी होती है लो, ठीक है। और इनकी जो, इन जैसे मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है ना, इट ड्रास्टिकली रिड्यूसेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे इनका हाई होता जाता है ना, तो इनकी जो ड्रास्टिकली जो स्ट्रेंथ है ना, वो रिड्यूस हो जाती है। गॉट द पॉइंट? तो ऐसे मटेरियल जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है और जिनकी स्ट्रेंथ टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होने के साथ साथ ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रही है, ऐसे मटेरियल्स की मशीनिंग करने पर हमें सिगमेंटेड या फिर सेरेटेड चिप्स मिलते हैं। अब ये क्यों मिलते हैं? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिव हीटिंग एंड कूलिंग। बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिव व्हाट? हीटिंग एंड कूलिंग। क्योंकि माय डियर, अगर ये लो कंडक्टिविटी के हैं तो क्या करेंगे, हीट को जो है मतलब एक साइड पे कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे, इट विल नॉट डिस्पर्स। तो क्या होगा, लोकलाइज हीटिंग एंड कूलिंग विल टेक प्लेस। लोकलाइज हीटिंग, अल्टरनेटिव लोकलाइज हीटिंग कूलिंग विल टेक प्लेस। गॉट द पॉइंट? क्योंकि एक तरफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, एक तरफ टेम्परेचर बहुत कम है, राइट? सो दिस डिफरेंस क्रिएट्स व्हाट? इट क्रिएट्स यू नो डिसकंटिन्यूटी इन द चिप्स। सो किस टाइप के मटेरियल में मिलता है ये? आपके टाइटेनियम जैसे मटेरियल को मशीन करने पर ही मिलता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, गॉट द पॉइंट? सेरेटेड चिप्स कब मिलते हैं, ठीक है? इट इज ड्यू टू व्हाट? अल्टरनेटिव लोकलाइज हीटिंग। ऑल्टरनेटिव लोकलाइज हीटिंग की वजह से, और जो मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी लो होती है, तो वो हीट को डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाते, राइट? उसमें हीट हो जाती है लोकलाइज, ठीक है? हीट जो है लोकलाइज हो जाती है, जिस वजह से वहां पर जो है चिप जो है ज्यादा विड्थ का होता है ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, और ऑल्टरनेटिव ये चलता रहता है, ये ऑल्टरनेट चलता रहता है। बिकॉज ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी लो है और जिनकी स्ट्रेंथ जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती है, तो वहां पर किस टाइप के चिप्स बनते हैं? ड्यू टू अल्टरनेटिव लोकलाइज हीटिंग व्हाट? सेरेटेड चिप्स या फिर सिगमेंटेड चिप्स। एग्जाम्पल याद रखिएगा टाइटेनियम, ठीक है? यहां तक याद रखेंगे आप? गॉट द पॉइंट? ओके। बट आप एक चीज का माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, टाइटेनियम इज अ मच यू नो यूज्ड मेटल। टाइटेनियम काफी यूज किया जाता है, स्पेशली इन द एरोस्पेस इंडस्ट्री। एरोस्पेस इंडस्ट्री में टाइटेनियम का बहुत यूज है, बहुत यूज है। जेट इंजन्स में बहुत यूज किया जाता है टाइटेनियम, ठीक है? मैं उसकी खूबी बताता हूँ टाइटेनियम की, ठीक है? हमने देखा ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, तो हम क्या करते हैं, एलॉय करते हैं ना, उसके अलावा और भी मटेरियल मिलाते हैं स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। जो टाइटेनियम की तरफ से जो भी ड्रॉबैक है उसको हम काउंटर करते हैं बाय एलॉयिंग। बाकी टाइटेनियम की आपको मैं खूबी बताता हूँ, एक तरफ आप आयरन ले लो, एक तरफ टाइटेनियम ले लो, ठीक है? बोथ आर इक्वल इन स्ट्रेंथ। मैं आपको बता दूं, टाइटेनियम और आयरन की स्ट्रेंथ लगभग बराबर है, बट बात यह है कि टाइटेनियम का जो स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है, अब स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक का मतलब होता है स्ट्रेंथ पर यूनिट मास, वो टाइटेनियम ज्यादा देता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आयरन आप 1 किलो ले लें, आयरन का 1 किलो टाइटेनियम का 100 ग्राम के बराबर है बस, ठीक है ना? तो टाइटेनियम आपको कम यूज लेना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा फायदा है क्या, टाइटेनियम का, ठीक है? तो टाइटेनियम का जो स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है दैट इज व्हाट, हाई एज कंपेयर टू व्हाट आयरन। हालांकि दोनों का वैसे स्ट्रेंथ बराबर है, लेकिन टाइटेनियम आप कम भी ले सकते हैं आयरन के बजाय, ठीक है? आयरन अगर आप ज्यादा लेंगे तब वो उतनी स्ट्रेंथ देगा। गॉट द पॉइंट ऑर नॉट? तो आयरन जैसे, इसीलिए तो जेट इंजन वगैरह बनते हैं, आयरन के थोड़े ना बनते हैं। एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम अलॉयज के बनते हैं, उसमें टाइटेनियम यूज किया जाता है बिकॉज दे आर वेरी लाइट। हमें एरोप्लेन के स्ट्रक्चर को लाइट रखना पड़ेगा ना, वरना टेक ऑफ कैसे करेंगे? इसीलिए वहां पर कभी भी आयरन का नहीं स्ट्रक्चर पाएंगे, क्योंकि आयरन होता है हैवी, आयरन हैवी होता है, इसीलिए बात समझ आई टाइटेनियम का यूज क्या है। इसीलिए टाइटेनियम काफी एरोस्पेस इंडस्ट्री में बहुत यूज किया जाता है, काफी बार यूज किया जाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो से अब हम लोग क्या करेंगे, जो है मेटल कटिंग की फर्दर एनालिसिस करेंगे, राइट? हम इसमें डिफरेंट फोर्सेस देखेंगे हम, ओके? फोर्सेस देखेंगे, राइट? अभी अब तक हमने क्या किया, एंगल डिस्कस किया, वेलोसिटीज डिस्कस की, राइट? तो अब हम लोग कुछ इसके बारे में और देखेंगे, फोर्सेस डिस्कस करेंगे, राइट? और वहां से हम लोग पहुंच जाएंगे मर्चेंट सर्किल डायग्राम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज द मर्चेंट सर्किल डायग्राम, जिसपे बहुत ही बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। गॉट द पॉइंट? तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।